जीतूंगा, सुरेंद्र सिंह जी के सामने भी जीतूंगा, आप सुरेंद्र सिंह जी ले और कोई भी ले। और कहते ये चारों एक, इनका चारों का हमारे वहाँ पर आसमंद में भी चार चेहरे, यूँ स्थानीय स्थानीय की मांग पर चार चेहरे लगते हैं, यहाँ पर भी ये चार चेहरे बताए जाते हैं कांग्रेस के चेहरे। हमारे में से हम चारों में से किसी को दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। पिताजी रहो, भले बेटा रहो, तो लोगों की भावना ऐसी है भाई के जो परमार परमार रोज घबरा गए लोग। घबरा गए? हाँ, गणेश सिंह जी घबराए। गणेश सिंह जी नहीं, मैं तो नहीं घबराया। तो गणेश सिंह जी ने कल आरोप लगाए थे, वो भी बेबुनियादी है मेरे लड़के के लिए बोलते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाजपा में तो थोड़ी बहुत खींचतान है, वो कांग्रेस पार्टी में भी रही है। भाजपा के लोग कहते हैं कि दिख भी रही है, थोड़ी बहुत खींचतान है, मगर भाजपा जैसे कैसे उसको मैनेज कर लेगी। मगर ये कांग्रेस में क्या है कि जो चार पांच चेहरे जितने भी है ना, सारे वजन वाले हैं, तो ये जब खींचतान पे आते हैं तो फिर पार्टी का बंटाधार होना तय है। तीन बार उन्होंने टिकट दिया है पार्टी ने उनको, तो अभी रोज का ही रोज एक ही आदमी टिकट मांग रहा है। पार्टी कह रही है नहीं, भाजपा वाला जो जीत रहे, तो हमारे इधर कैंडिडेट कमजोर था इसलिए जीत रहा है ना, एकदम हमारे समाज में होने के बाद भी है जो लोगों का सुनते नहीं, इसलिए नहीं हो रहा है। बाकी नमस्कार, कुंभलगढ़ की राजनीति इस बार हॉट सीट बनी हुई है, सभी की नज़रें कुंभलगढ़ पर है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, सभी चेहरे लगातार भागदौड़ में लगे हुए हैं। भाजपा में तो काफ़ी उठा पटक, काफ़ी तनातनी खबरें आती रहती है, कांग्रेस में भी कभी कभार सुनाई देती है, और कांग्रेस में जब जब भी सुनाई देती है, उसमें एक केंद्र बड़ा ही मुखर एक चेहरा होता है जो इस क्षेत्र की राजनीति में लंबे समय से कद्दावर बना हुआ है। कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी मान जाते हैं, मगर दावेदारी की दौड़ में लगातार बने हुए हैं। नाम होता है सूरज सिंह दसाना, पूर्व प्रधान है, इस बार दावेदारी की दौड़ में बने हुए हैं, अभी हमारे साथ है, थोड़ी सी बात करेंगे। सूरज सिंह जी कभी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी बिल्कुल, और बाकी सब तो दावेदार थोड़ा दब के बोलते हैं कि कहीं पार्टी लाइन से नाराज नहीं हो जाए, बड़े नेताओं तक बात नहीं पहुंच जाए। सूरज सिंह जी बड़े बेखौफ और निडर होकर बोल देते हैं, क्या बात है? नहीं सर, है जो ऐसा है कि बेखौफ सर, अपन ने जो कोई ऐसा उल्टा काम नहीं किया है पार्टी हित में। मेरे अंकल थे 35 साल, वो सरपंच थे, उसके बाद मैंने गिरजा जी, देवपुरा जी, गोपाल सिंह ईड़वा, अपना वो दीनबंधु वर्मा, हर पार्टी के जितने भी यहाँ से प्रत्याशी गए जीत के, उनके पक्ष में काम किया हुआ है, और मैं पार्टी से समृद्ध हूँ आज भी देवपुरा के ज़माने से, और हमारा पूरा परिवार भी वैसे समृद्ध है। जो गणेश सिंह जी ने कल आरोप लगाए थे, वो भी बेबुनियादी है। क्यों? कि पार्टी हित में काम करने वाले के आदमी के ऊपर वो जो आरोप लगा रहे हैं तो गलत है। और दूसरा, मैं बेधड़क के, मतलब मेरे को अगर पार्टी टिकट देती है, कांग्रेस पार्टी मेरे को टिकट देती है, नेता मेरे पे विश्वास करें, सीपी साहब है हमारे, अशोक जी गहलोत हैं, अपने अध्यक्ष महोदय हैं डासरा जी, जो भी हमारे बड़े नेता हैं, वो हमारे मेरे पे विश्वास करके अगर मेरे को टिकट देते, तो मैं 100 में 101% सीट आपको जीत के कांग्रेस पार्टी की झोली में डालूंगा। पर दिलीप सिंह ने तो स्पष्ट, गणेश सिंह ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे को हराने वाले यही थे। नहीं नहीं, मैं तीन इलेक्शन गणेश सिंह जी ने लड़े, तीनों इलेक्शन में उनके साथ में मतलब काम किया है, और चौथा जो इलेक्शन हुआ पंचायत समिति, तो उन्होंने मेरे से कुछ बात भी नहीं की कभी भी, यूँ नहीं कहा कि भाई मेरे साथ चलो, तो हमारे साथ में चलो ऐसा कहा नहीं, तो हम कहाँ जाएँ। और जहाँ भी मेरे को पूछा, रिंचेड में पूछा था दुलीराम मेघवाल ने, तो मैंने नाम जो बता रहा आपको, तो मैंने कहा कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। कड़ागड़ा निचले मैं गया, तो वहाँ मेरे को पूछा लोगों ने कि वोट किसको करना है, तो कांग्रेस पार्टी को करना है। सरस का गुड़ा जो उम्रवास पंचायत में आता है, वहाँ सोहन जी करके हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने प्रभुदास ने कहा कि भाई ये जो आपका लड़का इलेक्शन लड़ रहा है, प्रधान बन रहा है, सोहन जी कह रहे हैं कि भाई ये जो मेरे बोर्ड में उनको दूंगा, तो मेरा लड़का इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, तो मैंने प्रभुदास जी को कहा इसको फोन दो। मैंने फोन हार क्यों रही है कांग्रेस लगातार, क्यों हार रही है सर? जो भी उम्मीदवार है कांग्रेस का, जो दो बार तीन बार चार बार जो चेहरा आ रहा है, उससे है जो लोग वाकिफ हैं ना, उनके पक्ष में वोट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्यों भी सब जनता को साथ लेके चले सबको, मेरा अकेले का सवाल नहीं है। मैं कुंभलगढ़ में सूरज सिंह हूँ, जैसे ही और भी लोग हैं बहुत सारे, वर्दी सिंह जी जो पिछले पंचायत से में पंचायत अपना ये इलेक्शन था, जब भी वो भी है जो उनके साथ में कहाँ थे, मेरे लड़के के लिए बोलते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाजपा में तो थोड़ी बहुत खींचतान है, वो कांग्रेस पार्टी में भी रही है। भाजपा के लोग कहते हैं कि दिख भी रही है, थोड़ी बहुत खींचतान है, मगर भाजपा जैसे कैसे उसको मैनेज कर लेगी। मगर ये कांग्रेस में क्या है कि जो चार पांच चेहरे जितने भी है ना,
सारे वजन वाले हैं तो ये जब खींचतान पे आते हैं तो फिर पार्टी का बंटादार होना तय है। नहीं, कांग्रेस पार्टी में अगर जो परिवर्तन करके टिकट देंगे तो कोई बंटादार होने वाला नहीं है। और कांग्रेस पार्टी तो गणेश सिंह जी तो इतना टिकट मांग ही नहीं रहे हैं, वो तो अब उनका नहीं, गणेश सिंह जी का लड़का मांग रहा है तो परिवर्तन हो गया ना। परिवर्तन ऐसा थोड़ी होता है साहब, जो परमार नाम पहले से चला आ रहा है, अभी 3 बार उन्होंने टिकट दिया है पार्टी ने उनको, तो अभी रोज का ही रोज एक ही आदमी टिकट मांग रहा है। पार्टी कह रही है युवा चेहरों को देंगे, युवा चेहरा है तो युवा और भी है, किसको भी दो। मैं तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है भाई कि मैं कोई मतलब 70 साल का होने के बाद भी आज मैं 70 साल का हूँ तो सवेरे 7 बजे मैं काम पर लग जाता हूँ। और मैं पंचायत समिति से प्रधान रहा, जब भी पूरी पंचायत समिति किसी से पूछ लो आप जाके, 37वीं पंचायत में किसका काम नहीं किया सब कोई बता दे एक ही आदमी। तो अब और सुरेंद्र सिंह जी के बारे में क्या सोचते हो आप, जो हालिया विधायक है भाजपा वाले? आप कांग्रेस पे तो आक्रमक कर रहे हो कि हाँ हमारा आचारा सही नहीं था, भाजपा वाले तो जीत रहे हैं। नहीं, भाजपा वाला जो जीत रहे तो हमारे इधर कैंडिडेट कमजोर था इसलिए जीत रहा है ना। सूरज सिंह जी को ऐसा क्यों लगता है कि आपको टिकट मिलेगा जीत जाओगे? नहीं, मेरे को नहीं, मैं तो आपके लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, आपने अभी मेरा तो मेरे समाज के वोट मेरे पक्ष में है सर। ये भी तो आपके समाज के ही हैं ना, हमारे समाज में होने के बाद भी है जो लोगों का सुनते नहीं इसलिए नहीं हो रहा है। बाकी आपके समाज के अब भाजपा से भी जोर से जोर लगा रहे हैं भाजपा से, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हमारे समाज से ही है। परंतु मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर जो मेरे को टिकट देते हैं तो मैं मेरी समाज का अध्यक्ष हूँ, बाकी मैं आम माता का अध्यक्ष हूँ, और जो लोग मेरे पक्ष में वोट करेंगे आप वापस के देख लेंगे। इतना पक्की इस बार होगा क्या? चलो मान लिया मैंने कहा कि बोले वापस कांग्रेस में गणेश सिंह जी या उनके पुत्र के टिकट चला जाता है तो नहीं, टिकट जाएगा तो हम तो काम कर लेंगे, हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही है, कांग्रेस का काम करेंगे हम। ये तो आप कैमरे पे कह रहे हो? कैमरे पर नहीं, मन से कह रहे हैं। नहीं, नहीं, कुछ बातें कुछ बातें कोई है जो जब भी एक महीना इलेक्शन हो कोई प्रूफ करे कि भाई सूरज सिंह जी वहाँ जाके विरुद्ध प्रचार किया। मैं विरुद्ध प्रचार की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मन में तो कुछ चल रहा होगा। लोगों के भावना जो बैठी हुई है उनके मतलब पिताजी रहो भले बेटा रहो, तो लोगों के भावना ऐसी है भाई के जो परमार परमार रोज घबरा गए, लोग घबरा गए। हाँ, गणेश सिंह जी घबराए? गणेश सिंह जी नहीं, सूरज सिंह तो नहीं घबराया। लोगों के आप लोगों में पता करो ना, कुमलगढ़ के जनता है उसमें पता करो। आप पूर्व प्रधान रहे हुए हैं, समाज के अध्यक्ष है तो आपसे भी तो पता चल ही जाएगा। हाँ, नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे समाज के जो भी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 52,000 के 55,000 के वोट हैं, जो भी 70% वोट पड़ते हैं, 65-66% वोट पड़ते हैं, उसमें है जो 70% मेरे को वोट देंगे। नहीं, पर मेरे को एक बात बताओ आप कि 2008 में चलो आपकी पार्टी यहाँ जीती थी गणेश सिंह जी, उसके बाद ये कह रहे हैं आपके समाज के भी ज्यादातर वोट बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, जा रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी के पास ऐसा कौन सा जादू है? नहीं, सुरेंद्र सिंह जी के पास कोई जादू नहीं है, पर सुरेंद्र सिंह जी मतलब वो काम नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, पर लोगों से हिल मिल के रहते हैं, मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, मीठी मीठी बातें करके कैसे भी फंसा के वोट ले लेते हैं। तो आप वाले ये फंसा नहीं पाते? ये तो अभी वही बता सकते हैं साहब, वही बता सकते हैं। तो अब मेरे को ये बताओ कि आप कुंभलगढ़ का चुनाव किन मुद्दों पे होगा, कि ये मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण है लोगों? कुंभलगढ़ के मुद्दे साहब ऐसा है कि कुंभलगढ़ कैलवाड़ा जो हेडक्वार्टर है वहाँ इनको स्वस्थ पानी पीने को ही नहीं मिल रहा है कैलवाड़ा वालों को। एक तो वो पानी की व्यवस्था मतलब प्रॉपरली चाहिए, कुंभलगढ़ अपने होटल व्यवसाय को भी चाहिए और कैलवाड़ा गाँव को भी चाहिए। लोग ये कुंभलगढ़ के बारे में एक बात और बोलते हैं इन दिनों, मैंने बात की तब, कि ये जो सड़क है ना राजसमंद से कुंभलगढ़ वाली, क्या इस पे आते हैं तो हमको पता चल जाता है कि उस वक्त जो राजा महाराजा युद्ध किए ना वो कितने मुश्किल हालात में रहते थे, अब लोगों को घोड़े पे आना चाहिए। तो आप जो कह रहे हो वो हकीकत बात है, कुंभलगढ़ के रोड जो कुंभलगढ़ राजसमंद से आने वाली रोड, उदयपुर जाने वाली सभी रोड एकदम खराब है, उसके लिए हम काम करेंगे, पेयजल पर काम करेंगे। हमारे गढ़बोर तहसील में वेड़सा नाका है, कॉलेज है, बहुत सारे मुद्दे हैं और हम जरूर उस पर काम करेंगे। लोग कहते हैं कि इस बार कांग्रेस में यूं तो सब प्रभारी और आ रहे हैं, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, पर अंदर अंदर क्या हो रहा है कि सूरज सिंह जी, दिलीप सिंह जी, कैलाश जी और वैभव उपाध्याय अंदर अंदर ये सब एक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब टिकट मिलेगा तो कौन किसके साथ में रहेगा ना, ऐसा पार्टी के हैं सब, तो सभी साथ में हैं हम। पर कहते हैं ये चारों एक, इनका चारों का हमारे वहाँ पर आसमंज में भी चार चेहरे यूँ स्थानीय की मांग पर चार चेहरे लगते हैं, यहाँ पर भी ये चार चेहरे बताए जाते हैं कांग्रेस के चेहरे। हम चारों में से किसी को दो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, टिकट मिलेगा जिसके पास टिकट रहेगा
वो है जो पार्टी का कार्य उम्मीदवार रहेगा, हम उसके पास ही काम करेंगे, बाकी चारों एक ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से टिकट मांग रहे हैं। टिकट देना पार्टी का हाईकमान का काम है, हाईकमान जिसको टिकट देगी, और जो यहाँ से आप मीडिया वाले जो भी सर्वेर कोई भी जो भी भेज रहे हैं उसके हिसाब से टिकट देंगे, जो जितने वाला उम्मीदवार है उसको टिकट दे। और मैं मेरी बात कर रहा हूँ आपको कि मैंने पार्टी विरुद्ध काम किया नहीं है, और जो गणेश सिंह जी अपेक्ष लगाया वो झूठा है और बेबुनियादी है। ऐसा तो नहीं है कि अब वो कैलाश जी और वो दिलीप सिंह जी वैभव उपाध्याय ये सोच रहे हो कि सूरज सिंह जी बोल रहे हैं और सामने गणेश सिंह बोल रहे हैं, ये आपस में झगड़ते रहे, हमारा फायदा हो जाएगा? नहीं नहीं, कोई हम गणेश सिंह जी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ना योगेंद्र से कर रहे हैं, ना दिलीप राव से कर रहे हैं, किसी से नहीं कर रहे हम झगड़ा। इस बार वो लोग कह रहे हैं कि इस बार खूब हो गया कुंभलगढ़ को टिकट देना, अब इस बार एक बार आमेठ को आजमाओ। वो तो अभी पार्टी हाईकमान तय करे, आमेठ को देंगे तो आमेठ वाला का जो भी जिसके पास रहेगा टिकट उसका काम करेंगे। आमेठ वाला तो ठीक है, आमेठ वाला आमेठ का नहीं, यहाँ भाई ठीक है, कुंभलगढ़ में भी हमारे योगेंद्र का दो ना, भले आज हमारे वैभव जी को दे दो, ऐसा कुछ नहीं है हमारे मन में। अच्छा। कि मेरे को टिकट दे, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी जो भी मतलब पार्टी निश्चित करे, हाईकमान जो निश्चित करे, उसमें हमें जो सब एक साथ। पर वो यूं होता है ना कई बार कि अपन कोई बात खुल के नहीं कह सकते, तो पर्ची पे लिख के सरकाते थे आप, नहीं, नहीं, ना, पूरी बात तो आप कह रहे हो कि पार्टी के साथ है हम, पर्ची पे लिख के सरकार रहे हो, चेहरा बदलना चाहिए। पर्ची नहीं, नहीं, चेहरा बदलना चाहिए वो तो मैं खुला कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ पहले से कि भाई चेहरा है जो एक ही एक नाम से 15 साल मतलब 3 बार टिकट दे दिया उनको, तभी जो टिकट परिवर्तन दे, परिवर्तन देने के बाद है जो पार्टी को मालूम पड़ेगा उनका भाई है जो किसको पड़ला पारी है। एक ही एक आदमी को टिकट दे रोज ही रोज, और अपने को क्या मालूम पड़ेगा वो। चलो आखिरी सवाल, बड़े स्पष्ट सवाल, इधर से आते हैं योगेंद्र सिंह, इधर से आते हैं सुरेंद्र सिंह, परिणाम क्या रहेगा? नहीं वो तो अभी जनता से पूछेंगे तो मेरे को थोड़ी मालूम है किसको क्या होएगा वो तो। अभी इधर से आते हैं सुरेंद्र सिंह, इधर से आते हैं सूरज सिंह, परिणाम क्या रहेगा? नहीं नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ साहब, मैं जीतूंगा, आपका नाम लिया ना, मैं जीतूंगा, जरूर जीतूंगा, सुरेंद्र सिंह जी के सामने भी जीतूंगा, आप सुरेंद्र सिंह जी ले और कोई भी ले, और अगर बाकी वो 3 चेहरे हैं जो उनमें से कोई आता है सुरेंद्र सिंह जी आते हैं तो अभी हो क्या, अपने को थोड़ी मालूम थोड़ी है वो तो। अभी मैं मेरी बात करता हूँ, मैं जरूर जीतूंगा, और मेरे को टिकट पार्टी अगर विश्वास करके दे रही है हाईकमान के और नेता हमारे जो भी हैं, सीपी साहब से लगा के हमारे अशोक जी से लगा के थोड़ा थोड़ा से जो भी मेरे को टिकट देंगे, मैं 100% नहीं 101% सीट निकाल के दूंगा। और बाकी है जो एज का कुछ नहीं है, मैं आज सुबह 7 बजे से काम पे लगता हूँ, और ये सब जनता यहाँ भी खड़ी है, आप मतलब सुबह 7 बजे मार्केट में आ जाता हूँ, और कहाँ जाना है किसके काम में हर टाइम, मैं पंचायत समिति था तो भी है जो किसका फोन पे किसका सामने सामने हरेक का काम किया हुआ है। कुल मिला के ये इसका कोई उम्र का कोई समस्या नहीं? नहीं, उम्र से थोड़ी हिसाब है, जो काम करने की शक्ति चाहिए, काम करने की शक्ति चाहिए। देखिए आप, काम करने की शक्ति भी है और मुखर होकर बोलने की क्षमता भी है। सूरज सिंह जी बड़े खुलकर बोल रहे हैं कि भैया इस बार चेहरा चेंज करना चाहिए, कांग्रेस को नए चेहरे पर विचार करना चाहिए और नया चेहरा एक परिवार से नहीं होना चाहिए, ये बातें खुल के बोल रहे हैं। साथ ही पार्टी लाइन के साथ साथ चलते हुए ये भी कह रहे हैं कि हम सब पार्टी के साथ है, पार्टी जिसको भी अवसर देगी हम उसके लिए टिकट की बात करेंगे। सुरेंद्र सिंह और गणेश सिंह आमने सामने हुए तो उसके परिणाम क्या होंगे इस पर स्पष्ट बोलने से मना कर रहे हैं, मगर इस बात का मजबूती से दावा कर रहे हैं कि अगर पार्टी मुझे अवसर देती है तो मैं इस बार पुनः कुंभलगढ़ में कांग्रेस का झंडा फहरा के रहूँगा। देखने वाली बात होगी कि आखिर चुनाव में होता क्या है। आप सब लोग देखते रहें राजसमंद एक्सप्रेस, धन्यवाद।